25 मई का करंट अफेयर। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव बुल्गारिया से हैं और एंजेला रोडेल यूएसए से हैं। टाइगर शार्क 40 संयुक्त बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना ड्रिल अभ्यास चट्टोग्राम के वीनस निर्विक में शुरू हुआ। टाइगर शार्क 40 बांग्लादेश और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास है। ताल छापर अभयारण्य ग्रेट इंडियन थार रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है। ताल छापर भारत में देखे जाने वाले सबसे सुंदर एंटीलोप ब्लैक बक का एक विशिष्ट आश्रय है। चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थित 1962 में एक आरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 1966 में एक अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। ताल छापर बीकानेर के तत्कालीन परिवार का शिकार गाह था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 17 मई से 23 मई 2023 तक भारत में लगभग 516 जंगल में आग लगने की सूचना मिली। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवरों के लिए एक दूसरे के देशों में रहने, अध्ययन करने और काम करने को आसान बनाने के उद्देश्य से एक प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इसके द्वारा शीर्ष 50 सबसे नवीन ब्रांडों में टाटा समूह एकमात्र भारतीय ब्रांड है। संविधान का अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान यानी कि रिसेस के समय अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। किसी राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानसभा या द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में दोनों सदनों में से कोई एक सत्र में नहीं है। हाल ही में यूरोपीय आयोग के सह विधायकों ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किया। CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील के तत्वों में से एक है जिसका लक्ष्य 2030 तक ग्रीन गैसेस को के उत्सर्जन को GHG ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। एक बार पुनः देखते हैं। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव बुल्गारिया से हैं और एंजेला रोडेल यूएसए। टाइगर शार्क 40 या टाइगर शार्क 40 यह संयुक्त बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना ड्रिल अभ्यास चट्टोग्राम के VNS निर्विक में शुरू हुआ। ताल छापर अभयारण्य ग्रेट इंडियन थार रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है। ताल छापर भारत में देखे जाने वाले सबसे सुंदर एंटीलोप ब्लैक बक का एक विशिष्ट आश्रय है। चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थित 1962 में एक आरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 1966 में एक अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। ताल छापर बीकानेर के तत्कालीन शाही परिवार का शिकार गाह था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA के अनुसार 17 मई से 23 मई 2023 तक
भारत में लगभग 516 जंगल में आग लगने की सूचना मिली। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवरों के लिए एक दूसरे के देशों में रहने, अध्ययन करने और काम करने को आसान बनाने के उद्देश्य से एक प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG द्वारा शीर्ष 50 सबसे नवीन ब्रांडों में टाटा समूह एकमात्र भारतीय ब्रांड है। संविधान का अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। किसी राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानसभा या द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में दोनों सदनों में से कोई एक सत्र में नहीं है। हाल ही में यूरोपीय आयोग के सह विधायकों ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किया। CBM यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील के तत्वों में से एक है, जिसका लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को 55% तक कम करना है।